अवैध शराब व अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नवागत एसपी आशुतोष बागरे के निर्देश पर बुधवार को जिले के सभी थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण पर निकले। इस दौरान सभी थानों का स्टाफ बाइकों पर सवार होकर अपने क्षेत्र में घुमा। इस दौरान लोगों के साथ संवाद भी स्थापित किया गया। कोरजा में थाना प्रभारी रामपाल सिंह जादौन के नेतृत्व में टीम भ्रमण के लिए निकली। इस दौरान एक स्थायी वारंटी भी घूमते हुए मिल गया, जिसे तुरंत ही गिरफ्तार किया गया। इसी तरह सबलगढ़ में थाना प्रभारी मंगल सिंह पपोला के नेतृत्व में टीम निकली, जहां लोगों से संवाद करते हुए एसपी द्वारा जारी किए गए नंबर की जानकारी दी। वहीं बताया कि कहीं भी अपराध होता है या अवैध शराब की बिक्री की जाती है तो तुरंत ही इसकी सूचना दी जाए। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। इसी तरह पहाड़गढ़ टीम थाना प्रभारी धर्मेंद्र गौर के नेतृत्व में जंगल क्षेत्र में भ्रमण पर गए, जहां ग्रामीणों के साथ चर्चा की। बानमोर में वीरेश कुशवाहा के नेतृत्व में टीम ने क्षेत्र का भ्रमण किया, ग्रामीणों से संवाद किया। वहीं नूराबाद टीआई आरती चौराटे ने हाईवे सहित ग्रामीणों सहित इलाकों में जाकर भ्रमण किया। यह बता दें कि पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने मंगलवार की शाम पूरे शहर में भ्रमण कर जनता के बीच संवाद स्थापित किया था, जिसमें उन्होंने लोगों के हाथ भी जोड़े और स्पष्ट कहा कि कोई भी परेशानी हो तो उन्हें कॉल किया जाए। इस दौरान उन्होंने एक नंबर भी जारी कर दिया, जिस पर लोग अवैध कारोबार की सूचना दे सकते हैं। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।